तो क्रिप्टो बड़ी कैसे, और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी खुद की एनएफटी कैसे बना सकते हैं और अपनी एनएफटी बनाकर उसको मार्केट में सेल करके एथेरियम कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 0.1 ईथर की मैंने एक एनएफटी सेल की अपनी खुद की। अगर यहाँ पर देखेंगे अंशु भाई की जो एनएफटी मैंने बनाई थी यहाँ पर 8 दिन पहले, उसके बाद एक ही दिन बाद मेरी एनएफटी सेल हो गई थी, HW ने ले ली थी, किसी बंदे ने ले ली थी। उसके बाद यही चीज़ मैंने पंकज भाई से भी डिस्कशन किया था, क्योंकि पंकज भाई सिंसियर लगते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि वो काम काफ़ी मन से करते हैं। तो मैंने उनसे शेयर किया था कि NFT के बारे में काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई थी, देन उनको भी मैंने बोला था कि आप भी एक बार ट्राई करें और आप मुझे बताएं। तो उन्होंने एक पेंटिंग को एज ए NFT क्रिएट करके सेल किया था 0.1 ईथर पे, देन उनकी भी जो NFT थी वो सेल हो गई थी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में NFT क्या है, इतना क्रेज़ क्यों बढ़ रहा है, और NFT कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक भाई को मोटिवेट करता रहता है, और जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। और पैसा कमाने की जो स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। उससे पहले हम बात करते हैं कि NFT है क्या और NFT का इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है। NFT के ऊपर मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं, एक मैंने मिमी टोकन के ऊपर बनाई थी। NFT को पुश करने में मिमी टोकन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं मिमी टोकन की बात करूं तो अगर कॉइन गिक के ऊपर भी इसका प्राइस देखेंगे तो अभी के प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस चल रहा है $584 और $2000 के अप्रोक्स इसका प्राइस गया था। मैंने इसको बाय किया था $30 में, यानी कि आप लगा सकते हैं काफ़ी बढ़िया। इसमें क्या होता था, इस प्लेटफॉर्म में ये आपको एज अ NFT देते थे। उसके लिए आपको यहाँ पर इनकी जो फार्म करना पड़ता था, इनके जो मीम्स हैं उनको स्टेक करना पड़ता था, तो उसके बदले आपको पाइनएप्पल मिलते थे। वो पाइनएप्पल के थ्रू आप NFT खरीद के इस NFT को आप जो रेयरेबल है वहाँ पर जाकर सेल कर सकते थे, और वहाँ पर अपने हिसाब से रेट लगा सकते थे। लोग ऑक्शन करते थे कि मैं इतने थीरियम का लूँगा, और आज की डेट में ये NFT सेल भी हो रही है। अगर मैं मिमी टोकन की बात करूँ, 75 थीरियम की एक NFT सेल हुई थी, वो सतोशी नाकामोटो की है, रेयर की, मैं यहाँ दिखाता हूँ ये वाली 75 ईथर की ये सेल हुई थी अपना रेयरेबल में। अगर मैं बात करूं एक क्रिप्टो फाइनली की, उन्होंने भी अपनी खुद की NFT बनाई थी, यानी कि NFT आप बना सकते हैं, अपनी खुद की फ़ोटो की भी बना सकते हैं, आपको अगर स्केच आता है, ड्राइंग आता है, उसकी भी बना सकते हैं। इसमें इन्होंने अपनी NFT बनाई और इन्होंने सेल की, मैं 10 बना के सेल करना चाहती हूँ, जिसमें से 4 NFT इस बंदे ने खरीदी, प्रैंक्सी ने, और एक NFT बिज शॉप ने खरीदी, यानी कि देख सकते हैं 5 of 10 में से 5 NFT सेल हो चुकी हैं। इसको बनाने वाला कौन है, क्रिएटर है क्रिप्टो फाइनली, जो कि ट्विटर में एज अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर काफ़ी बड़ा नाम है। तो वो चीज़ आपको दिख रहा है कि ये लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, इतना क्रेज़ क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करने की NFT क्या है। NFT नॉन फंजिबल टोकन है, यानी कि एक किस्म से आप लगा सकते हैं डिजिटल आर्ट। NFT का यूज़ एज अ डॉक्यूमेंट में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर अपनी आपका डॉक्यूमेंट है 10th का, उसको भी आप एक NFT के रूप में बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सेल करना है, उसको बना के आप रख सकते हैं, वो ब्लॉकचेन पर वो सेव रहता है। मतलब फ्यूचर में आपको ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी, ताकि आपके जो सर्टिफिकेट है अगर बाई चांस फट जाता है, कुछ होता है, तो आपके वहाँ रहता है, या चूहा उतर जाता है, तो आपके पास ब्लॉकचेन पर है, देन उसको आप कहीं पर भी शो कर सकते हैं। और जो फंजिबल टोकन होते हैं वो होते हैं बिटकॉइन, एथेरियम। नॉन फंजिबल टोकन एज अ डिजिटल आर्ट, ठीक है। जो फंजिबल टोकन होता है उस पर आप एज अ पार्ट्स में सेल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक बिटकॉइन लेते हैं और बंदा कहता है मुझे $100 के दे दे, तो आप 0.00 के दे देते हैं, ठीक है। बट NFT में ऐसा नहीं होता, इसका एक टोकन बनता है, उसको आप पार्ट्स में नहीं दे सकते, आपको एक NFT ही पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो उनसी ब्लॉकचेन पर वर्क करती है वो ERC-721 एंड ERC-1155, तो इन ब्लॉकचेन पर ये वर्क करती है। और ये आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई NFT बनाते हैं तो ईथर स्कैन पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी NFT आपके पास पड़ी। अगर मैं NFT की बात करूं तो NFT का क्रेज बहुत टाइम से चलता आ रहा है गेमिंग सेक्टर में, बहुत टाइम से। यानी कि अगर मैं बात करूं पबजी में, अगर आपने एक अवतार लिया या एक गन ली, अब पबजी बैन होगी तो आपका सारा गया मिट्टी में, आपने पैसों से खरीदी थी। बट अगर ब्लॉकचेन उसमें कनेक्ट होती है और आप NFT करके अपनी खुद की स्किन बनाते या आप स्किन को खरीदते इसके थ्रू, तो आपकी चाहे पबजी बंद भी हो जाती, दोबारा से पबजी आती, तो आप अपनी स्किन का यूज़ कर सकते थे, या उस NFT का किसी और गेमिंग में भी यूज़ कर सकते थे कनेक्ट करके, समझ रहे हो।
तो ये चीज़ों में काफ़ी बड़ा महत्व है। और NFT आप फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, लाइक आपके जो DMCA है वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने NFT डाली हुई है कि मैं सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी ये भी डाली हुई है कि मैं अपनी NFT सेल करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस बंदे ने, इसने अपनी NFT क्रिएट की ये वाली, और एक ईथर की इसने सेल की। आप यहाँ पर देखो कितने बंदों ने ले लिए, यानी कि 24 ही ने, इसने रेयर रखी है कि 24 मैं बेचना चाहता हूँ, जिसमें से 7 बिक चुकी हैं इसकी। उसके बाद ये नहीं बनेंगी, उसके बाद ये बना ही नहीं सकता। अगर कोई दोबारा से, जैसे मैं स्क्रीनशॉट मार के इसको अगर पोस्ट भी करूँगा तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि ये कॉपी कर। अगर मैं इस NFT को देखता हूँ OpenSea में जाकर भी अगर मैं चेक करूँगा तो वहाँ पर लिखा आएगा कि ये व्यू ऑन x.card। अगर मैं इसकी वेबसाइट पर जाऊँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि इसके द्वारा वह बनाई गई है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वेरीफाइड है कि नॉन वेरीफाइड है, जैसे कि इसने वेबसाइट भी अपनी लिखी हुई। तो इस करके रेयर ये रहती हैं। अब यहाँ पर मैं क्रिप्टो फाइनली की बात करूँ तो ये क्या करती है, ये महिला जो है वो क्या करती है कि अगर कोई जैसे क्रिएटर है, जैसे मैंने इसकी NFT बना दी ऐसे, तो मैं इसको बोलूँगा कि मैंने NFT बनाई है, 0.01 की सेल कर रहा हूँ, तो ये क्रिप्टो फाइनली खरीद लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप संदीप भाई जैसे क्रिप्टो पॉइंट हिंदी के हैं, या एडी भाई जो क्रिप्टो इंडिया के हैं, उनकी एक NFT बनाकर यहाँ पर डालते हैं और बोलते हैं ये देखो मैंने आपकी बनाई है। अब एडी भाई को पसंद आई तो एडी भाई इसको खरीद लेंगे, रख लेंगे, हाँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, या ये तो चलो वाहियात बनी है बट बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, तो वो खरीद सकते हैं उस चीज़ को, तो वो आपको पे कर देंगे जो भी अमाउंट होगा अगर आप एक ईथर का, जितने भी ईथर का बेचना चाहते हैं। वैसी बात है, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो स्केच करते हैं और वो उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता, बट NFT ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअल में आर्टिस्ट की कदर करने आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अभी अगर मैं बात करूँ, ये जो उनकी NFT है ये आर्ट सिस्टर ने बनाई है और इसको खरीदा है क्रिप्टो फाइनली ने, अब ये ओनर बन गई, यानी कि ये पहले ओनर था उसके बाद इन्होंने खरीदी, अब ये ओनर बन गई, अब इसके पास जो आर्टिस्ट सिस्टर है इसके पास अब ये NFT नहीं है, समझ रहे हो। अब वो क्रेज़ है इनको खरीदने का, तो मैं भी खरीद सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ जैसे कि ये NFT है, मैं सपोज करो आपको खरीद के दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि डेमो के लिए आपको पता चल जाए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें फीस आपको पे करनी पड़ेगी, यहाँ पर 9.22 फीस देनी पड़ेगी, $9, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो इतनी भी खास नहीं है कि मैं इसकी फीस दूँ। तो इसके बना ले, यहाँ पर टॉप थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो यहाँ की दुनिया ठरकी है तो ले लेती है। अब हमारी कोई NFT पाए, मुझे लगता है कोई खरीदेगा, तो वो डिपेंड करता, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ भी NFT को आप खुद क्रिएट करने से पहले एक बार आप स्टडी कर लें कि क्या NFT सेल होती हैं। यहाँ पर जो NFT सेल होती हैं वो यूनिक एंड रेयर होती हैं, जो कि लोग आपको NFT ऐसी पोस्ट करनी पड़ेगी जो कि आपको लगे कि हाँ मेरी NFT लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि अभी एक लॉक लगा रखी है किसी ने, मेरे ख्याल से ये न्यूड फोटो है, तो दैट सीजन की लॉक लगा हुआ है, तो ये NFT है, इसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है, बट खरीदने वाले इसको भी खरीद लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, तो इसी करके कि आप फोटो भी डाल सकते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं कि आप अपनी खुद की NFT कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा रेरेबल में, जो कि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है app.rarible.com, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू चले जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट आएगा, तो सीधा यहाँ पर मेटामास्क है, मेटामास्क से कनेक्ट करोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ से ईथर कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास मेटामास्क नहीं है तो आप ये वाला इनका वॉलेट यूज़ कर सकते हो, फोर्टमैटिक का, यहाँ पर आप फ़ोन से लॉगिन कर सकते हो या ईमेल आईडी डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी तो वो डाल के आप साइन अप करेंगे, उसके बाद आपने जो भी नाम रखना है वो नाम रख सकते हैं, पिन आपकी ईमेल पर आएगा, वेरीफाई करके रख सकते हैं। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा मेटामास्क से करो, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहता है। उसके बाद जैसे ही आप मेटामास्क से कनेक्ट करते हैं तो आपको सीधा ये वाला इंटरफेस शो हो जाता है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे, मेटामास्क से कनेक्ट कर लेंगे, तो वो ईजी है, कोई मंत्र नहीं पढ़ने। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ है क्रिएट कलेक्टेबल, तो सीधा क्रिएट ए कलेक्टेबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल एंड मल्टीपल, ठीक है। सिंगल करेंगे यानी कि आप एक सिंगल NFT बना रहे हैं जो कि सिर्फ एक होगी, रेयर होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। बट आप एक NFT को 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं कि 10 मैं कार्ड्स बनाना चाहता हूँ, कि एक NFT 10 लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो आप मल्टीपल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बट से जब शुरुआत करनी है पहली बार, तो एक से सिंगल से ही करें, क्योंकि पहले से ज़्यादा से करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा नहीं लोग लेते हैं, क्योंकि वो रेयर होती है, वो ज़्यादा लोग पिक करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले कर चुका हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मैंने
ये वाली NFT सेल की थी, रेयर वाली, और भी मैंने काफ़ी NFT लगा रखी हैं सेल के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं मल्टीपल चॉइस करता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और मैं यहाँ पर चॉइस करता हूँ। ये वाली NFT मैंने बनाई है, पर ये जो सा स्केच है वो मेरा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट जोन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये सेल होता है तो इसका आगे देखेंगे इसके कुछ डोनेट करने का, ठीक है। तो अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको नाम रखना है। उसके बाद जैसे ही अपलोड होती है तो आपने नेम रख देना है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है अगर आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। तो ये उसके बाद आती है नंबर ऑफ कॉपी, क्योंकि मैंने मल्टीपल चॉइस किया था तो नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ कॉपी रख देता हूँ यहाँ पर 30, ठीक है, ज़्यादा रखता 30 रखता हूँ, और जो रॉयल्टी है वो 10% रखता हूँ सजेशन की, यानी कि अगर कोई बंदा मेरा जो लिंक है वो शेयर करता है तो जो उस जो सेल का जितना 10% है वो उसको चला जाएगा, मतलब रेफर बोनस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर आप एंटर की भी रख सकते हैं कि अगर कोई वो की डालेगा तभी वो शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी, जो कि सिक्योरिटी रीजन से होती है। बट मैं अभी प्राइस सेट कर देता हूँ तो इसको छोड़ देते हैं, ये ऑप्शनल है। प्राइस मैं सेट करता हूँ 0.1, जो कि मेरी 30 कॉपी सेल मैंने लगाई है, ठीक है। उसके बाद अनलॉक वन परचेज पे भी आप क्लिक कर सकते हो, जो कि आपकी लॉक हो जाएगी, नहीं खुलेगी, जैसे कि मैं वो फोटो दिखा रहा था ना जिसपे लॉक लगा हुआ था, कि वो कह रहा था कि जिसने खरीदनी है वही ओपन करके इसको देख सकता है। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए ओपन रखता हूँ, तो प्राइस ये रहते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोडिंग शो हो चुकी है, कि मेरी जो NFT है वो डिप्लॉयड होने के लिए बढ़ चुकी है आगे। उसके बाद आ रहा है कि इम्प्रूव करने के लिए आपको $1 फीस देनी पड़ेगी, तो मैं फीस दे देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपकी फ़ीस बहुत लगने वाली है, क्योंकि आपको पता है जो Ethereum की जो ब्लॉकचेन है काफ़ी फीस पे कर रही है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो वही NFT डालें जो आपको लगता है सेल हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट देना तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अभी मैं $1 दे चुका हूँ इम्प्रूव का। अब मेरे पास सेकंड आ रहा है मिंट टोकन, जो कि मिंट मेरा न्यू NFT टोकन जो क्रिएट होगा $7 देने के बाद। अगर 2.0 आता है तो फिर फीस बहुत कम हो जाएगी, उसके बाद NFT का बहुत बड़ा क्रेज़ होने वाला है। तो अब आता है साइन सेल ऑर्डर। अब मैं साइन करता हूँ सेल ऑर्डर, उसके बाद साइन इन करेंगे। तो जैसे ही मैंने साइन इन किया तो यहाँ पर जो मेरी NFT है वो शो हो जाएगी थोड़ी देर में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और जो मेरी NFT थी वो क्रिएट हो चुकी है और वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एज अ ऑनर मेरे को दिख रहा है कि मैं ऑनर भी मैं हूँ, क्रिएटर भी मैं हूँ। जैसे जैसे लोग लेते रहेंगे उनका नाम यहाँ पर जुड़ता रहेगा। मेरी जो NFT है उसका नाम है द लॉयन क्वीन। अब इसको रिमूव भी अगर आप करते हैं तब भी आपको गैस फीस देनी पड़ेगी। एक और ऑप्शन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर व्यू ऑन ओपन सी है, ये इसके साथ अटैच है। जितने भी वो होते हैं ना लाइक रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं, मीम्स हो गया, जितने भी डीफाइस हैं, वो ओपन सी के थ्रू ही सेल करती हैं, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी आप सेल के लिए लगा सकते हैं, आपको दो बार ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ सकती है, बट दो प्लेटफॉर्म में आपकी रहेगी तो बिकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जो सा ओपन सी है यहाँ पर लोग बोली भी लगा सकते हैं, कि जैसे आपने बोला मैं 0.1 पे सेल करना चाहता हूँ, वो कहेंगे 0.05 पे दे दे भाई, तो आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वालिटी डालता हूँ, जैसे मैंने 30 डाली थी तो मैं 30 डाल देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम टू सेल डाल दिया, प्राइस मेरा क्या था 0.1 था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेसी भी उस हिसाब से रख सकते हैं। तो 30 का पोस्टिंग फॉर लिस्टिंग पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। आप जैसे कि देख सकते हैं $1 मेरे को देनी पड़ रही है, पर पहले पहले आपको ज़्यादा फीस लगेगी, लाइक $7 $8 लगने वाली है, उसके बाद फीस धीरे धीरे कम लगनी शुरू हो जाती है ओपन सी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखते हैं कब मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है और उसके बाद ओपन सी में भी मेरी जो NFT है वो ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, देन वहाँ पर लोग इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर साइन कर देते हैं, हम साइन इन कर देते हैं। तो साइन इन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो NFT है वो यहाँ पर भी सेल होने के लिए लग चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग रेफर करेंगे उनको 0.01 इथर बोनस मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।